अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फरमाए भाई, मेरा एक सवाल है कि खाने पर फूंक मारना, एक तो ये हो गया कि अगर गर्म है तो फूंक मारा जाए ठंडा करने के लिए, दूसरा ये कि खाने पीने की चीजों पर फूंक रुपया पढ़ के फूंकना कैसा है? जी, शेख वो रुकैया नहीं होता, रुकिया होता है, रुकिया। रुकिया। खाने पर फूंक मारने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर मना किया है कि खाने पीने वाली चीजों पर फूंक ना मारो। अगर फूंक मारने की ऐसी जरूरत है कि खाना गर्म है या जो चीज आप पी रहे हैं वो गर्म है, अगर बगैर फूंक मारे आप पियोगे तो जल जाओगे और आप डिले भी नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आप किसी जल्दी में हैं, तो अगर मतलब आपके वो आस पास वक्त है तब तो थोड़ा सा सब्र कर लो, ठंडा हो जाएगा फिर खाना पीना। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो फूंक मार करके उसको ठंडा करके आप खा पी सकते हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खाने का अदब बताया है। अब अगर आप किसी मशक्कत में पड़ रहे हो उसकी वजह से, तो फिर आपके लिए फूंक मारना जायज होगा। जैसा कि आपने अपने सवाल में भी बता दिया कि अगर आपको जलने का खदशा है तो आप फूंक मार सकते हैं। सवाल आपका ये है, ये कई सारे लोगों को इश्काल होता है कि जब हम रुकिया करते हैं तो रुकिया में हम फूंक मारते हैं, तो भाई जिस नबी ने खाने पीने में फूंक मारने से मना किया है उसी नबी ने फूंक मारने की इजाजत दी है रुकिया में। रुकिया जब आप करते हो तो खाना पीना थोड़ी कर रहे हो, इस वक्त आप जी रुकिया कर रहे हो, आप खा पी थोड़ी रहे हो, आप तो रुकिया कर रहे हो। तो रुकिया ये अलग मसला है, रुकिया खाना पीना नहीं है, आप खाना पीना नहीं बल्कि रुकिया कर रहे हो। दूसरी बात, अगर रुकिया करके खुद ही खाना पीना हो तब भी ये मसला इस्तिस्नाई मसला होगा, क्योंकि जिस नबी ने फूकने से जो है अदब सिखाया है कि मत फूको, उसी नबी ने रुकिया के अंदर फूकने की इजाजत दी है। तो जी इसमें दोनों में कोई तआरुज नहीं है, रुकिया अलग मसला है, खाना पीना ये अलग मसला है। जी मोहम्मद यूसुफ साहब। जी जी जय।